नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, समाजशास्त्र के संबंध में ये आज हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं जो समाजशास्त्र के उद्भव और विकास पर आधारित था, कि उसका उद्भव और विकास किस तरह से हुआ है समाजशास्त्र का। और उसमें हमने बताया था कि क्यों 1838 को समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी, क्यों अगस्त कॉम्टे को इसका जनक माना जाता है, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी और भारत में इसके जनक कौन माने जाते हैं, किसने समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा है। और बताया था भारत के में समाजशास्त्र के प्रथम HOD कौन हैं और प्रथम प्रोफेसर आखिर दुर्खिम को क्यों कहा जाता है और ग्रैंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है, ये मुझे आपको कमेंट करके बताना है। तो आज हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र और उसकी विषय वस्तु। क्या है साथियों? समाजशास्त्र के क्षेत्र, समाजशास्त्र के क्षेत्र और विषय वस्तु, इससे संबंधित आज हमारा ये वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तब जाके कहीं आपको वीडियो समझ में आएगा। थोड़ा हार्ड और टिफी मैटर रहता है समाजशास्त्र के लिए, लेकिन बहुत ईजी वे में हम आपको समझा देंगे। देखिए, एक समाजशास्त्री, इनका नाम है एलेक्स इंक्लेस, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगस्त कॉम्टे के बाद सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछ जाता है, तो इसी समाजशास्त्री से पूछ जाता है। तो इनका नाम क्या है? एलेक्स इंक्लेस। इनकी एक पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, ध्यान रखें क्या है इनकी पुस्तक का नाम, व्हाट इज सोशियोलॉजी, यानी सोशियोलॉजी क्या है इनकी पुस्तक है। ये एलेक्स इंक्लेस हैं, इन्होंने पहली बार अपनी पुस्तक में ये विचार प्रकट किया था। क्या विचार था? कि जो समाजशास्त्र के क्षेत्र और विषय वस्तु, ये दो शब्द लिखे हुए हैं ना सिलेबस में हमारे में, क्षेत्र और विषय वस्तु दोनों हैं, तो ऐसा बताया जाता है एलेक्स इंक्लेस हैं, इन्होंने व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक में ये बताया था कि जब समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी क्षेत्र और विषय वस्तु में, जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु, इस विषय वस्तु में कोई फर्क नहीं था। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, यानी एलेक्स इंक्लेस ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में बताया है कि पहले, यानी शुरुआत में, प्रारंभ में, क्षेत्र और विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं था। ये दोनों आपस में क्या है, एक ही पर्याय हैं और ये ओवरलैप्ड हैं, एक में ही समाहित हैं, कुछ ऐसा बताया गया था। लेकिन इसकी विषय वस्तु को जानने के लिए या इसके क्षेत्र को जानने के लिए तीन मार्ग बताए हैं, किसने? एलेक्स इंक्लेस ने। तो ये पिछली बार जो 2018 में राजस्थान में परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि इसकी विषय वस्तु को जानने के लिए एलेक्स इंक्लेस ने कुल कितने मार्ग बताए हैं, तो तीन मार्ग कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। देखिए, ऐतिहासिक मार्ग, आनुभाविक मार्ग और विश्लेषणात्मक मार्ग। ध्यान रखें, आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि विषय वस्तु, यानी विषय वस्तु की जानकारी समझने के लिए या विषय वस्तु को जानने के लिए, किसकी विषय वस्तु को जानने के लिए, अर्थात विषय वस्तु जानने के लिए समाजशास्त्र की विषय वस्तु या क्षेत्र को जानने के लिए, देखिए मैं लिख देता हूँ, विषय वस्तु और क्षेत्र को जानने के लिए, इसे पहचानने के लिए, इसे समझने के लिए तीन मार्गों का उल्लेख किया है एलेक्स इंक्लेस ने। और वो मार्ग जो दिए हैं अपनी पुस्तक में दिए हैं, उसका नाम है व्हाट इज सोशियोलॉजी। समझ में आ रहा होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको भाषा पर ध्यान रखना मेरी पे। ऐतिहासिक मार्ग, आनुभाविक मार्ग और विश्लेषणात्मक मार्ग। आपसे प्रश्न इस तरह भी बना के पूछ सकता है, किस तरह पूछेगा? वो पूछेगा आपसे कि किस मार्ग को नहीं बताया है एलेक्स इंक्लेस ने, तो इसमें से तीन ये हुए, एक कोई अलग दे देगा। तो ऐतिहासिक मार्ग, आनुभाविक मार्ग और विश्लेषणात्मक मार्ग। ऐतिहासिक मार्ग में क्या बताया उसने, ये जानना थोड़ा सा। देखिए, जो ऐतिहासिक मार्ग है, इसमें क्या बताया था कि संस्थापक समाजशास्त्रियों के विचार, यानी ऐतिहासिक मार्ग में क्या बताया है कि जो संस्थापक समाजशास्त्री हैं, यानी इसको स्थापित करने में जिन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई है समाजशास्त्र को, तो उसमें कॉम्टे, स्पेंसर, दुर्खिम, मैक्स वेबर, टानीज और
जॉर्ज सीमेल, वार्ड, मार्क्स आदि, इनके क्या हैं ऐतिहासिक विचार इसमें समाहित किए गए हैं और इन विचारों से संबंधित पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आगे हम बात करेंगे, अगले वीडियो में भी बात करेंगे, इसमें भी बात करेंगे कुछ। आनुभाविक मार्ग, आनुभाविक मार्ग में क्या है, आधुनिक समाजशास्त्रियों के मार्ग कि जो आधुनिक जो लेटेस्ट जो समाजशास्त्री हुए हैं उनके विचारों से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे आगे और वो इसमें समाहित किए गए हैं। विश्लेषणात्मक मार्ग का मतलब है तर्क एवं विवेचन, तर्क एवं विवेचन की इसे एक साइंस कहा जाता है। समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो कैसी है, वैज्ञानिक प्रकृति है इसकी। तो अब देखिए आगे एक बहुत अच्छा फैक्ट यहाँ से शुरू होता है। समाजशास्त्र के क्षेत्र को लेकर विभिन्न विद्वानों में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए, अर्थात समाजशास्त्र को लेकर के कुछ विद्वानों का मत अलग हो गया और कुछ विद्वानों का मत अलग हो गया। इस मत को लेकर के समाजशास्त्र के दो मत बताए हैं, दो मत इन्हें हम स्कूल कह सकते हैं, संप्रदाय कह सकते हैं, अनुशासन कह सकते हैं। तो देखिए एक बात को ध्यान रखना, जो ये क्षेत्र है, क्या क्षेत्र है, यानी जो समाजशास्त्र का क्षेत्र है उसे समझने के लिए या इस क्षेत्र को दो मतों में, दो संप्रदायों में विभक्त कर दिया था। दो मत कह लीजिए, दो संप्रदाय कह लीजिए, दो स्कूल कह लीजिए, इसमें इसे डिवाइड कर दिया गया था समाजशास्त्र को। तो अब दो मत कौन कौन से हैं उसे जानना है। ये दो मत हैं स्वरूपात्मक, क्या नाम है इसका, स्वरूपात्मक, और एक है समन्वयात्मक संप्रदाय। बहुत इम्पोर्टेंट हैं स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक संप्रदाय, इससे समाजशास्त्र में हर बार दो प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार। ये पहली यूनिट है और इस यूनिट में से 100% प्रश्न पूछे जाते हैं, दो तीन। तो पांच ही तो यूनिट हैं, आपको 18 प्रश्न आएंगे, तो पांच यूनिट आप लगा लीजिए। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय ये क्या हैं, यानी ये जो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है उस पर मतभेद था लोगों का, तो दो संप्रदायों में बट गया, जैसे इस्लाम धर्म सुन्नी और सिया, जैन धर्म दो मतों में बट गया था, आपको पता होगा। एक थे जो नागा रहते थे और एक वस्त्र धारण करते थे, जैन धर्म था वो हीनयान और महायान में बट गया था। तो मत अलग हो सकते हैं, उसी प्रकार से इनके मत हैं स्वरूप, यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। तो अब आप ये समझना है कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले व्यक्ति हैं और समन्वयात्मक संप्रदाय वाले व्यक्ति हैं, आखिर इनमें भेद क्या है, अंतर क्या बताया इन्होंने, इस अंतर को समझना है। और स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक के लिए मैं आपको एक अलग से, अभी मैं बोर्ड पे आने वाला हूँ और बोर्ड पर इसका एक वीडियो दूंगा इन दोनों का, और इन दोनों के विचारक अलग अलग पूछा गया पिछली बार प्रश्न कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारक कौन हैं और समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारक कौन हैं। डिफरेंट पूछता है, अलग पूछता है कि कौन नहीं है, या इनमें से कौन सा जोड़ा जो समाहित हो रहा है। इसके प्रश्न जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, उसके मैंने 6 प्रश्न आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो पिछले 3 परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बीती परीक्षाओं में, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहला आप ये समझिए, जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है इसे फॉर्मल स्कूल, क्या कह सकते हैं, फॉर्मल स्कूल। और फॉर्मल स्कूल के साथ में जो दूसरा लिखा है, इसका नाम क्या नाम है, सेकंड लाइन पे जो लिखा हुआ है, ये देख लीजिए एक बार, समझ रहे हैं आप लोग। देखिए जो ये है, ये वाला फॉर्मल स्कूल, और दूसरा लिखा है स्पेशलिस्टिक स्कूल, जो ये लिखा हुआ है स्पेशलिस्टिक स्कूल। और थर्ड नंबर पे लिख रहा है पार्टिकुलर स्कूल। जो ये तीन नाम है, अगर आपको तीनों नाम ध्यान हैं तो आराम से भेद कर लेंगे समन्वयात्मक और स्वरूपात्मक में, वो कैसे मैं आपको समझाने वाला हूँ। समन्वयवाद जो समन्वयात्मक संप्रदाय है इसे कहा गया था सिंथेटिक स्कूल, ये लिखा हुआ नीचे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, समन्वयात्मक जो है इसे सिंथेटिक स्कूल और इसे फॉर्मल स्कूल कहा गया है। दो नाम जो नीचे लिखे गए हैं दोनों नाम इम्पोर्टेंट है, एक लिखा हुआ है स्पेशलिस्टिक स्कूल और दूसरा लिखा हुआ है पार्टिकुलर स्कूल। तो अब ये जानेंगे कि स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित यानी समर्थक कौन विचारक थे, और समन्वयात्मक संप्रदाय से प्रभावित कौन कौन विचारक थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है लगातार। देखिए प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक हैं जॉर्ज सीमेल, कौन है, जॉर्ज सीमेल। अब आपको ये नाम ऐसे दिखेंगे कि हमने कभी पढ़े ही नहीं है सर, इसलिए मैंने इनकी ट्रिक दी है, बहुत शानदार ट्रिक है, और ट्रिक आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, आपको फिर एक मिनट भी नहीं लगेगा कि समाजशास्त्र बिल्कुल भी हार्ड है। देखो समर्थक हैं इसके टानिस, मैक्स वेबर, पार्क वर्गेस, इस्माइल,
इस्माल इस्माल और सी भूगले, एक है वीरकांत और टानवीज, एक टानवीज हैं, एक है वानवीज, टान टानीज और वानवीज अलग अलग हैं, ध्यान रखें। और इधर जो दिए गए हैं विचारक जो इनमें से हैं, पहले मैं आप इसी को समझाता हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये समर्थक कौन कौन हैं, यहाँ पर समर्थक हैं जार्सी मेल, यानी जार्सी मेल हैं, ये तो क्या हैं इसके प्रवर्तक हैं, क्या हैं प्रवर्तक हैं जार्सी मेल स्वरूपात्मक संप्रदाय के, ध्यान रखें। और इनके समर्थक और कौन कौन हैं, टानीज हैं, मैक्स वेबर हैं, पार्क बर्गेस है और इस्माल हैं और सी भूगले हैं और एक है वानवीज, वीरकांत आदि, नए नाम हैं, प्रॉब्लम हो रही होगी। और ये स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इसके प्रतिपादक हैं सोरोकिन, इसे सोरोकिन भी कहते हैं, सोरोकिन या सोरोकिन, और इसके समर्थक हैं सोरोकिन गिन्सबर्ग, वार्ड, मेकाइवर एवं पेज, वीरस्टीड, जॉनसन, ये इसके संबंधित, मोरवानी भी हैं, ये इससे संबंधित क्या हैं विचारक हैं। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा विचारक स्वरूपात्मक संप्रदाय का नहीं है, तो मैंने प्रश्न दिया है आपको, आया हुआ प्रश्न पिछली बार, अब इसे समझना है आपको कि इनके मत क्या थे, समाजशास्त्र को ये किस रूप में देख रहे थे, तो ये देखना है। तो मान्यताएं या विशेषताएं इसकी क्या थी, समाजशास्त्र समाजशास्त्र घटना के बाहरी स्वरूप का अध्ययन कराता है, यानी जो स्वरूपात्मक है वो तो ये कहते थे कि केवल ये बाहरी घटना से संबंधित जानकारी प्रोवाइड करता है, समझ रहे। और ये क्या कहता था, समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं की अंतर्वस्तु को महत्व देता है, कि मतलब ये नहीं है, ये जो स्वरूपात्मक है ये तो कहते हैं कि ये सिर्फ एक घटना के बारे में बताता है, जबकि समन्वयात्मक वाले हैं वो ये कहते हैं कि इसमें समन्वय पाया जाता है प्रत्येक सब्जेक्ट का समन्वय। तो इन ये देखो मतलब किसी चीज़ के स्वरूप के बारे में बताना और समन्वय, ये मतलब इसमें समन्वय है सब चीज़ का, इसी से आप समझ जाएंगे आगे पूरी बात समझेंगे आप। तो पहली लाइन क्या थी, समाजशास्त्र केवल बाहरी घटनाओं का स्वरूप का अध्ययन कराता, ये तो कहते हैं स्वरूपात्मक, और जबकि समन्वयात्मक क्या कहते हैं, नहीं ये केवल बाहरी घटना का नहीं, ये अंतर्वस्तु यानी इसमें सब कुछ संगठन जोड़ का अध्ययन कराता है। अब देखो अगला, इसमें देखिए अगली कुछ इसकी विशेषताएं वो देख लीजिए, क्या विशेषता है, समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, जो स्वरूपात्मक वाले हैं वो कहते हैं कि ये तो एक स्पेशलाइज्ड विज्ञान है, आपको आया था ना वो सब मैंने बताया था स्पेशलिस्टिक स्कूल, कि ये स्पेशल है, ये विशेष है। और ये क्या कह रहे हैं, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, मतलब जो ऐसे अन्य विज्ञान है ना उन्हीं के भांति ये भी एक विज्ञान है, ऐसा समन्वयवादी कहते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, एक विशेष है, मतलब एक क्षेत्र विशेष में ही ये फेमस है, ये कहा जा सकता है। इनका मानना संकुचित है स्वरूपात्मक वालों का, और ये ऐसे क्या है संकुचित नहीं मानते हैं, इसका ये विस्तृत अध्ययन के बारे में जानकारी देते हैं, आपके समझ में आ जाना चाहिए। और समाजशास्त्री सामाजिक घटनाओं के खास पक्ष, ये क्या कह रहे हैं, केवल खास पक्ष का ही अध्ययन कराता है, जबकि ये क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं के सामान्य लक्षणों का अध्ययन कराता है, ये तो कहते हैं खास, खास का मतलब कोई खास खास का ही, और ये कह रहा कि सामान्य लक्षणों का, कि जो सामान्य जो लक्षण हैं जितने सामान्य लक्षण हो सकते हैं किसी विज्ञान के, उन सब लक्षणों की ओर अवगत कराता है। तो ये केवल संकुचित परिभाषा बताता है इसकी, क्या बताता है संकुचित, तो ये संकुचित बताता है, जबकि ये क्या बताते हैं इसको विस्तृत, ये इसमें फर्क है बस। तो समझ में नहीं आता है लोगों को, एक लोगों को बताने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप समझ पाए होंगे। अब ये देखिए ये नीचे की लाइन में और एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, इस लाइन से स्पष्ट हो जाएगा कि समाज की तुलना शरीर या जीव से करते हैं, कौन कर रहे हैं, समन्वयवादी जो संप्रदाय है वो क्या कह रहे हैं कि समाजशास्त्री समाज की तुलना शरीर या जीव से करते हैं, जिस प्रकार विभिन्न अंगों से मिलकर के एक शरीर बना होता है, समाज का उसी प्रकार समाज का निर्माण भी विभिन्न अंगों से हुआ है तथा जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे विभिन्न अंगों से एक शरीर का निर्माण हुआ है और वो किसी न किसी रूप में शरीर में जुड़े हुए हैं, जब भी तो शरीर कार्यरत है, तो निश्चित रूप से समाजशास्त्र में भी विभिन्न प्रकार के अंग हैं जो इसे एक विज्ञान की ओर ले जाते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों के विचार आपको समझ में आए होंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें जॉर्ज जो सीमेल है इसका विचार है, जॉर्ज सीमेल, तो जॉर्ज सीमेल आपको पता होगा स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक माने जाते हैं, और ये जनक होने के नाते इन्होंने अपने विचार दिए हैं, और जो विचार हैं ये बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, और इनके विचारों को मैं एक अलग से वीडियो पेश करूंगा, ये सिर्फ मैं आपको एक खाका पेश कर रहा हूं इसके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाए मोटा माटी क्या है, तो इसका विस्तृत अध्ययन हम आपको बोर्ड पर आकर करेंगे, तो
एक दो दिन में हम कैमरे की व्यवस्था कर रहे हैं, कैमरे की व्यवस्था होने के साथ ही हम बोर्ड पर आना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए वीडियो को अन्य लोगों को शेयर जरूर कर दें। तो देखना एक बार, इनकी पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को अगर आप जानेंगे, क्या नाम है इनका, जॉर्ज सीमेल। सीमेल की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ जॉर्ज सीमेल। क्या नाम है इनकी पुस्तक का नाम, ये नाम है यानी सोशियोलॉजी ऑफ जॉर्ज सीमेल। ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ जॉर्ज सीमेल। ये पुस्तक किसकी है, जॉर्ज सीमेल की पुस्तक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी पुस्तक, जो भी पुस्तकें, मैं आपको याद दिला दूं, परीक्षा के दौरान चार पुस्तकें, चार परिभाषा हमेशा पेपर में आती हैं, चार पुस्तकें चार परिभाषा, और 10 प्रश्न आते हैं, वो आते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत सामान्य प्रश्न रहते हैं, वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं। अगर आपने किताबों को, परिभाषाओं को याद कर लिया, और मैंने याद कराने की ट्रिकें बताई हैं आपको, जो इसका उद्भव और विकास है उसमें देख लेना, और मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी दूंगा, किसका, यानी जो इसका परिभाषाओं का एक सेपरेट वीडियो होगा, बहुत सामान्य परिभाषा जो हमेशा पेपर में आती हैं वो सब आपको पेश की जाएंगी, और जितनी भी पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं यानी समाजशास्त्रियों की, वो सारी पुस्तकें आपको एक ही वीडियो में मैं पेश करने वाला हूँ, ध्यान रहें। तो ये 8 नंबरों के लिए सिर्फ एक दो ही वीडियो होंगे, और बहुत लंबे नहीं होंगे, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए, तो इन्होंने क्या है कि जॉर्ज सीमेल जो है, इनके विचार क्या हैं ये जानना है, इनकी पुस्तक पता लग गया हुआ सोशियोलॉजी ऑफ जॉर्ज सीमेल, और इन्होंने घटना या विषय वस्तु के दो पक्ष बताए हैं। इसने विषय वस्तु के कितने पक्ष बताए, दो। सबसे पहले हमने बात की थी जो तीन मार्ग बताए थे, किसने, एलेक्स इंकलेक्स ने तीन मार्ग बताए थे विषय वस्तु या क्षेत्र को जानने के लिए। अब इसने जो क्षेत्र है इसका, क्षेत्र को जानने के लिए दो पक्ष बताए हैं। और सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र की तुलना इन्होंने रेखागणित से की है। ये प्रश्न पिछली बार पूछ लिया गया है, शायद अब के ना आने की संभावना, लेकिन उससे पहले पूछा था, आ भी सकता है। समाजशास्त्र की तुलना रेखागणित से किसने की है, जॉर्ज सीमेल ने। अब आप देखिए, बाहरी स्वरूप और अंतर्वस्तु स्वरूप, जो जॉर्ज सीमेल है इसने उसमें अंतर बताया है, किसमें, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र और जो समन्वयवादी जो संप्रदाय था उसमें डिफरेंस बताया है। कि आप ये मानो, जैसे इन्होंने क्या है, इस तरह से तीन गिलास लिए, तीन क्या लिए थे, गिलास लिए थे, समझना थोड़ा सा वीडियो को तभी जाके समझ में आएगा। इस तरह से इसने तीन गिलास लिए, ये तीन गिलास हैं, ये तीन गिलास हैं, ये तीन गिलास हैं, देख लिए, ये क्या हैं, तीन गिलास हैं, ये तीन गिलास हैं, और इन गिलासों में फिर क्या भरा है उसमें, देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये पानी भरा है और इस गिलास में भरा है उसने दूध, क्या भरा है इसमें, क्या भर दिया इसने, दूध, और इसमें क्या भरा है, लेकर यानी शराब, ये शराब। देखिए इन्होंने क्या बताया कि एक तो बाहरी स्वरूप और एक है अंतर्वस्तु। जो अंतर्वस्तु है वो तो मानिए जो गिलास के अंदर भरा गया है, और बाहरी स्वरूप किसको माना, गिलास को माना है। तो ये बात कह रहा है कि इसमें अंतर्वस्तु श्रेष्ठ नहीं है, अंतर्वस्तु श्रेष्ठ इसलिए नहीं। देखिए जो अंतर्वस्तु है और बाह्य स्वरूप है, इसमें इन्होंने अंतर बताया है कि जो गिलास है, ये गिलास, इसमें चाहे आप दूध भरो, चाहे आप पानी भरो, चाहे शराब भरो, महत्व अंतर्वस्तु का अलग महत्व है और गिलास का अलग महत्व है। इसलिए उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र दोनों नहीं हो सकता, समाजशास्त्र अंतर्वस्तु नहीं हो सकता। ये एक पक्ष में आ रहा है कि ये एक विशेष है, और विशेष क्या है, जो विशेष है वो गिलास है। अब गिलास का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, गिलास में आप शराब भी भर सकते हैं, गिलास में आप दूध भी भर सकते हैं, और गिलास में आप पानी भी भर सकते हैं। इसलिए अगर पेपर में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए पानी का गिलास, दूध का गिलास और शराब का गिलास का उदाहरण देते हुए किसने समाजशास्त्र में अंतर प्रकट किया है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में दो प्रकार के पक्ष बताए हैं, एक बाहरी पक्ष और एक अंतर्वस्तु पक्ष, तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र को दो भागों में यानी एक तो बाह्य स्वरूप और एक अंतर्वस्तु स्वरूप में बांटा है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक अगला है जो इसमें लिखा हुआ है, फर्नांडी टॉनिस के विचार। जो टॉनिस हैं इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, टॉनिस की पुस्तक है, इसका नाम है गेमिनशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट। देखिए गेमिनशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट कितनी पुस्तकें हैं टॉनिस की, दो, गेमिनशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट।
आपसे वो ये सिद्धांत ही पूछ सकता है, ये किसने सिद्धांत दिया था? गेमिन साफ्ट को उन्होंने गांव माना है। क्या माना है? गांव। मैं आपको बताऊंगा इसे, अभी ध्यान रखें, गांव, इसे गांव माना है इसने। और जो गैसेल साफ्ट है इसे माना है शहर। शहर मतलब जो गांवों में जो प्रक्रियाएं होती हैं उसे तो गेमिन साफ्ट में से दर्शाया है, और जो शहरों में जो प्रक्रियाएं होती हैं यानी गाँव का समाज और शहर का समाज, इस तरह से इसने इसे अलग अलग बांट के इसका अध्ययन कराया है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे 100% आपको समझ में आएगा। अब देखिए अगला, देखिए अब इसने क्या है, संबंध बताए हैं। इसने क्या बताए? संबंध। और संबंध हर समाजशास्त्री ने अपना अलग अलग संबंध स्पष्ट किया है। संबंध किस तरह बताया है कि व्यक्तिगत संबंध, अव्यक्तिगत संबंध, अनौपचारिक, औपचारिक, घनिष्ठ, कम घनिष्ठ, स्थायी, अस्थायी, भावनात्मक और अनुबंधात्मक, और नतोदर आधारित, और एक दे रखा है इसमें स्वार्थ मूलक। तो ध्यान रखें, इन्होंने अपने इस सामाजिक संबंध को गेमिन साफ्ट, गेमिन साफ्ट मैं लिख देता हूं, और गैसेल साफ्ट, गैसेल साफ्ट मैं यहां लिख देता हूं। देखिए इसने दो अंतर बताए हैं, सामाजिक जो संबंध हैं वो दो प्रकार बताए हैं, एक तो गेमिन साफ्ट बताया है और एक बताया है गैसेल साफ्ट। गेमिन साफ्ट है इसे तो माना है गांव उसने, और गैसेल साफ्ट को माना है शहर। तो वो कह रहा है कि कैसे कैसे संबंध समाजशास्त्र जो सामाजिक लोगों में जो संबंध पाए जाते हैं उसको स्पष्ट किया है। तो देखिए ये तो इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए पहले संबंध है, यहाँ पर तो होता है यानी व्यक्तिगत संबंध, गाँव में लोग व्यक्तिगत मिले रहते हैं, जबकि शहरों में कैसे संबंध पाए जाते हैं, अव्यक्तिगत, कि बाहर बैठा है और काम चल रहा है। शहर में व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जैसे चाची से, ताई से, अड़ोसी से, पड़ोसी से। आप शहर में जाकर देख लीजिए ना, कोई पड़ोसी का घर भी नहीं बताएगा, पड़ोस में रह रहा लेकिन नाम ही नहीं पता। तो वो अव्यक्तिक संबंध रखते हैं, व्यक्तिक संबंध नहीं रहते उनके, मिलना जुलना नहीं रहता जैसे भाईचारा गाँव में रहता है। इसके माध्यम समझाने की कोशिश की है। अगर समाजशास्त्र को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपने चैनल पर, सारा समाजशास्त्र बहुत अच्छे से आपको पेश किया जाएगा, आप समझो थोड़ा सा ये कहना क्या चाहता है। अनौपचारिक, यह है औपचारिक। अनौपचारिक का मतलब आप जान रहे हैं, अनौपचारिक रूप से लोगों के संबंध पाए जाते हैं, और यहाँ क्या है, औपचारिक रूप से, कि औपचारिकता निभाते हैं सिर्फ, आया हाँ ठंडा पिएगा, पिया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है फिर चला जाओ। शहरों में क्या करते हैं, अरे भाई कितने दिनों में आप आए हो, ठंडा पियो, यहीं रहना है आपको, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं इंसान से। और ऐसी मानवता शहरों के अंदर नहीं पाई जाती, वो तो ये लगता है आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम, लग रहा है ना आपको, बेस ये व्यवस्था पाई जाती है। बहुत अच्छा जो टॉनिज महोदय हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लिखा है टॉनिज जी ने। देखिए गाँव में जो संबंध पाए जाते हैं वो घनिष्ठ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, घनिष्ठ संबंध, जबकि शहरों में कम संबंध पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था, आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम, और यहाँ पे क्या है, ये स्थायी रहते हैं और ये अस्थायी रहते हैं, आपको ये भी पता होगा, इनके संबंध स्थायी रहते हैं समाज में, समाज में स्थायी संबंध रहते हैं और शहरों में अस्थायी हैं। जैसे कोई मित्र था, नौकरी करता था, जब तक नौकरी कर रहा है उसके साथ है, समझ रहा है हाँ ना, और फिर चला गया, हो सकता है 6 महीने भी बातें नहीं हो। गांव का व्यक्ति के जो संबंध होंगे ना वो स्थायी रहेंगे और लंबे समय तक रहेंगे। और देखिए भावनात्मक, कि वो भावनाओं से जुड़े रहते हैं गांव के लोग, जो गेमिन साफ्ट में बताया कि जो गाँव की जो स्थिति है वो भावनात्मक रहते हैं, भावनाओं से जुड़ जाते हैं लोगों से। और इसमें क्या है, अनुबंधात्मक, यहाँ अनुबंध रहता है, जैसे क्या अनुबंध रहता है, अगर आप 1 घंटे काम करने के लिए आएंगे तो ही आपको पैसा मिलेगा, समझ रहे हैं, अगर आप कोचिंग करोगे तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, अगर आप सलाह लेने आए हो तो सलाह का पैसा देना ही पड़ेगा, ये अनुबंध है। लेकिन गांव में कोई सलाह का पैसा नहीं लेता, समझ रहे हैं, हाँ। तो नतोदर आधारित, और ये क्या रहा है, स्वार्थ मूलक। नतोदर का मतलब होता है कि लोगों का आपसे कोई स्वार्थ नहीं होता, विदाउट स्वार्थ लोगों की हेल्प करते हैं, और यहाँ पर क्या है, ये स्वार्थ बताया गया है। तो ये आपको गेमिन साफ्ट और गैसेल साफ्ट, तो आप गेमिन साफ्ट को आप समझ सकते हैं, गैफ गांव होता है, और गैसेल, गैसेल से स्यारा, से माने शहर, और गेमिन तो आप पता। तो इनमें से वो पूछ सकता है कि कौन इसका गेमिन साफ्ट का उदाहरण है और कौन सा इसका गैसेल साफ्ट का उदाहरण है। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात अच्छी समझ में आई होगी, हाँ। तो अगला देखिए, देखिए यहाँ पे ये समझाया भी है कि जो गेमिन साफ्ट है, देखें थोड़ा सा, देखिए नीचे मैंने लिखा है स्पष्टली, इसके उदाहरण हैं, ये इसके उदाहरण क्या हैं, कि जो गेमिन साफ्ट है वो समुदाय होगा,
गांव होगा और परंपराएं होंगी। तो आप लोग देखा कि लोग समुदाय में रहते हैं, गांव में रहते हैं, और वहाँ के लोगों की कुछ परंपराएं रहती हैं, पारंपरिक रहते हैं गांव के लोग, परंपराएं पुरानी रीति रिवाजों से संबंधित रहते हैं। और जो इसका उदाहरण है गैसल शब्द का, वो समाज होगा, नगर होगा और आधुनिकता मॉडर्निटी पाई जाएगी इसमें। लेकिन गाँव में क्या है, परंपराएं पाए परंपरागत व्यवस्था में ही लीन रहते हैं। तो ये गैसल शब्द के उदाहरण है, ये गैमिल शब्द के जो मैंने ऊपर समझाए हैं। एक इसकी कोटेशन है, ये कोटेशन देखना थोड़ा सा क्या कह रहा है, देखिए। टानीज के अनुसार समाज में परिवर्तन समाज से यानी समुदाय से समाज की ओर होते हैं, ये लिख लेना। यानी जो समाज में जो परिवर्तन होते हैं ना, वो समुदाय से समाज की ओर होते हैं। तो समुदाय कहाँ पाया जाता है, गाँव में। समाज कहाँ पाया जाता है, शहरों में। तो गैमिन सॉफ्ट गैसेट सॉफ्ट आ रहा है काम आपको, जो समुदाय है और समाज है। तो ये कह रहा कि क्या नाम है इसका, टॉनीज ने कहा है समाज में परिवर्तन समुदाय से समाज की ओर होते हैं। ध्यान रखें, आया होगा समझ में। तो समुदाय गांव में पाया जाता है और समाज कहाँ पाया जाता है, सिटियों में। नोट लगा के देखिए, नोट समुदाय व समिति का वर्गीकरण मैकाइवर एवं पेच ने किया है। समुदाय व समिति, तो देखिए समाज शास्त्र में समुदाय व समिति का वर्गीकरण किसने किया है, तो समुदाय और समिति की बात कर रहा है, तो किया है मैकाइवर और पेच ने। देखिए मैं तुलनात्मक अध्ययन कराने की कोशिश करता हूँ, जहाँ तुलना पड़ती है कि समुदाय और समिति एक ही समझ लेंगे आप, अगर आपको दिखाया नहीं जाता तो। समुदाय और समाज, समुदाय और समिति, ठीक है। अब आप देखिए मैकाइवर एवं पेच की है, तो ये हो गया। और टानीज के अनुसार संस्कृति में परिवर्तन, देखो बहुत अच्छी लाइन है, टानीज ने एक और लाइन लिखी है कि टानीज के अनुसार संस्कृति में परिवर्तन बर्बरता से सभ्यता की ओर होता है। क्या है ये, बर्बरता से सभ्यता की ओर, क्या है, सभ्यता की ओर होता है। ये पेपर में पूछा जाता है कि टानीज के अनुसार संस्कृति में जो परिवर्तन होते हैं ना, यानी खाना बदोरा, इसे कहते हैं बर्बरता, बर्बरता से सभ्यता की ओर होता है। तो ये था आज का वीडियो। मैक्स वेबर के जो विचार हैं, वो विचार हम आपको अगले वीडियो में पेश करेंगे। और साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। समाजशास्त्र से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपको देंगे, और इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक मैं आपको पेश करूंगा। और इसे देखिए, इनके प्रश्न देख लीजिए, जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। देखिए इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न है ये देख लीजिए। तो ये कह रहा कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक कौन है, तो अभी बताया था हमने जार्ज सीमेल हैं, अभी तो बताया है। और समन्वयात्मक संप्रदाय के जनक कौन है, तो सिरोकिन है, अभी बताया था मैंने, सिरोकिन या सोरोकिन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन है, तो वो है देखिए इसमें देखा, जार्ज सीमेल, मैक्स वेबर, वीरकांत, बर्गेस, मैक्स वेबर, वानिस, सिरोकिन, सी वूगल और मैकाइवर पेज। और ये अब देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब इनमें से हम क्या समझें और क्या छोड़ें, क्या पाएं। तो इस तरह से ये प्रश्न पिछली बार हर परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे भी आने की संभावना रहेगी इसकी, क्योंकि एक दो प्रश्न ऐसे जो टफ बनेंगे, उन टफ प्रश्नों के लिए आपसे 100% ये पूछा जाएगा। तो इसमें से कौन कौन से हैं वो आप देख पा रहे होंगे, कौन कौन से हैं तो मुझे गैस करके बताओ एक बार, कमेंट करो इसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें लिखा हुआ है जार्ज सीमेल, मैक्स वेबर, वानवीज और सिरोकिन। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है जो लिखा हुआ है, तो वीरकांत लिखा हुआ है, बर्गेस लिखा हुआ है इसमें, और ये पहला वाला ही आंसर है इसका हो जाए, यानी ये पहला वाला आंसर ये हो जाएगा। अगर वो कहे समानात्मक संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन नहीं है, तो फिर इसमें ये उत्तर हो जाता। तो ये है, अपना आराम से मिला लेना। और मैं इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, देखिए ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक क्या है इसकी, कि हम पहचान कैसे करेंगे कौन कौन है गुरुजी, कौन कौन नहीं है। देखिए शिव विवाटा बोरा पास, बोरा सद पास। देखिए सीमेल के बाद है बेबर, यानी मैक्स बेबर, वी से वीरकांत, वा से बनेगा वानवीज, और टा से बनेगा टानीज, बो से बनेगा बोर्गेस यानी बोगले, और रा से बनेगा रॉस, और पा से बनेगा पार्क यानी पार्क बर्गेस, और सहज और पास स्माइल ये बन जाएगा। तो ये इसके वो हैं, इन्हें याद कर लेना इस ट्रिक को 100% पर, आप इसे मिलान कर लेना कौन सा इसमें आपका उत्तर सही बैठ रहा है, इसका ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित मत सही है। अब ये हमने मत पढ़े हैं मत समाज शास्त्र की घटना
यानी समाजशास्त्र की घटना के बाहरी स्वरूप का अध्ययन करती है, समन्वयात्मक बाहरी का करती है। तो ये आप देखनी है, समाजशास्त्र की घटना के बाहरी स्वरूप का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है और समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं के खास पक्ष का अध्ययन करता है। तो ये इसमें से कौन सा सही है, संबंधित सही है, तो आप उस जो आपने वीडियो देखा पहले उसे देखो और इसमें कमेंट करो कौन सा उत्तर सही है। और देखो अगला क्वेश्चन, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित मत सही है, तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको चेक करना है और आपको कमेंट करके बताना है। और व्हाट इज सोशियोलॉजी, किसकी पुस्तक है, तो ये है एलेक्स इंक्लेक्स, जो मैंने अभी आपको बताया था। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आपको वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो जल्द आपको मिलने वाला है और वो भी ट्रिक के साथ, इन सब की, यानी जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है और दूसरा समन्वयात्मक जो संप्रदाय है, उन सब की ट्रिकें अभी पेश करने वाले हैं। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।